क्या होता है कि कई वीडियो देखे होंगे आपने, भाई किसी ऐसे गली में ले जाएंगे अंधेरी खूब अंधेरी गली में और भाई वहां लाइटों को ऑन करके, ये थ्रो है दिन में लाइट का, ये देखो। तो नमस्ते राम राम भाई, कैसे हो आप सब। तो भाई ये अपनी गाड़ी W4 2020 का मॉडल डीजल 1.5। तो भाई हमने इस गाड़ी में अपनी में जैसे इसमें भाई नॉर्मल लाइट आती है आपने देखी होगी, भाई हमने इसमें जो W8 वाली लाइट है भाई वो लाइट इसमें हमने इंस्टॉल करी थी काफ़ी दिन पहले। अगर आपने इंस्टॉलेशन वीडियो देखनी है तो भाई ऊपर लिंक मिल जाएगा, आप जाके भाई आराम से वो वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद ये वीडियो देखिए भाई, मैं अब उसमें तो आती थी भाई जो नॉर्मल हेलोजन बल्ब अपने, तो भाई इसमें जो हमने लाइट ये अपग्रेड करी इसमें भी भाई हेलोजन बल्ब भी दिए थे। तो भाई अब हमें चुल उठी कि भाई इसमें एक बारी लाइट जो अंदर की LEDs हैं भाई वो अपग्रेड करते हैं। भी भाई अब जो LED आ रही हैं भाई वो भी जो ब्रांडेड LED है वो भी आपको काफ़ी अच्छा थ्रो देती है, लेकिन शर्त भाई इतनी है कि एक तो आपकी आदत हो लो बीम में गाड़ी चलाने, हाई बीम में आप गाड़ी चलाओगे तो भाई अगले वाले की आँखों का जो हाल होना है वो तो भाई आपको पता ही है कि भाई किसी को कुछ नहीं दिखता और वो भाई आपसे ही लड़ेगा आगे, फिर आपकी गाड़ी में ही घुसाएगा आगे। तो भाई ये तो हो गई बात थोड़ी ज्ञान पेलने वाली, अब भाई दूसरी बात बताते हैं। तो भाई इसमें हमने जो LED यूज़ करी है बोसमैन की LED इसमें डाली हुई है, मैं आपको एक बार प्रॉपर हुड खोल के दिखाता हूँ कि भाई कौन सी वो LED है बोसमैन की। भाई इसमें LED डाली है, सेट हमने इसमें अपने LED के डाल रखे हैं, ये प्रोजेक्टर में जो कि लो बीम होता है और ये हाई बीम बिग केसिंग होती है इसमें, और ये नीचे अपना फोग लैंप में भी भाई हमने LED ही डाल रखी है, इसमें से आपको दिख भी रही होगी ये देखिए। और भाई इनका जो थ्रो है रात का वो भाई साहब तीनों का ज़बरदस्त थ्रो मिल जाएगा आपको, बहुत ज़बरदस्त। अभी आओगे आपको वीडियो में दिखेगा। ये वाली जो हेडलाइट हमने अपग्रेड करी थी इसमें भाई DRL भी आती है और आपका प्रोजेक्टर भी आता है, लेकिन भाई क्या था जब हमने ये डाली थी लाइट तो भाई एक भी वीडियो नहीं थी यूट्यूब पर कि XUV300 में W8 वाली हेडलाइट अपग्रेड किसी ने करी हो। तो भाई हमने जो डाली थी तो भाई कुछ जुगाड़ करा था DRL के लिए और भाई वो जुगाड़ कुछ दिन तो चला, उसके बाद भाई वो कुछ मेरी गलती से कि उसमें ज़्यादा पावर बढ़ाने के लिए भाई वो DRL इसकी फ्यूज़ हो गई, एक जो हेडलाइट की DRL है भाई वो फ्यूज़ हो गई थी, उसकी प्रॉपर काम कर दी है इसलिए भाई मैंने वो भी DRL बंद कर दी। उसके अलावा फिर मैंने ये अलग से दो DRL इसमें लगा दी थी कि भाई ये चल जाएगी बाद में कभी, इसकी जो अंदर LED होती है ये देखो, ये जो पॉइंट होता है ना ये वाला जो पोर्शन होता है ये DRL का, आप इसको निकालोगे बाहर तो इसमें दो छोटी छोटी चिप लगी हुई है जो LEDs होती है, बस वो चेंज करनी है, वो चेंज होते ही भाई DRL भी ऑन हो जाएगी, पर भाई वही दिक्कत है उसके लिए सारा सब कुछ खोलना पड़ेगा, लेकिन वो भी करेंगे, वो भी आपको करके दिखाएंगे। और अब मेन बात मेन मैं बताता हूँ कि इसमें जो LED डाली है उसकी, अब देखो ये भाई इसमें टेम्परेरी कैप लगा रखी है, इसकी सेंट्रो गाड़ी की कैप लगा रखी है क्योंकि भाई इसकी कैप गुम हो गई थी, ढीली रह गई थी, पता नहीं भाई कैसे निकल के भाग गई, और ये अभी कैप शोरूम में जाते हैं तो भाई याद नहीं रहती, लेकिन अब की बार पकड़ लेंगे। तो भाई ये देखो ये वाली LED, ये देखो ये आपकी बोसमैन की ओरिजिनल LED हमने इसमें डाल रखी है, ये देखो ये इसमें कुछ ऐसे कनेक्शन होते हैं। ये वाला जो वर्जन है ये आपका इसका हाई बीम है, जो प्रोजेक्टर में लो बीम आता है हमेशा किसी भी गाड़ी में, लोगे अगर डबल प्रोजेक्टर होगा तो भाई उसमें लो बीम और हाई बीम दोनों के प्रोजेक्टर होंगे। तो ये इसमें डालते हैं और ऐसी कुछ आपको केसिंग दिखने को मिलेगी लाइट की, ये देख लीजिए इसमें आपको फ़ैन मिलेगा, बाकी इसका बॉक्स भी मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा। ये कुछ बॉक्स है LED लाइट्स के, ये जो केसिंग है ये अपनी H1 है जो कि आपकी हाई बीम में डलती है H1, और ये आपकी H8 है, ये देखो ये H8 है, और ये आपकी भाई फोग लैंप में डलती है, और H7 जो आपकी लो बीम प्रोजेक्टर होता है उसमें डलती है। तो भाई ऐसा कुछ बॉक्स मिलेगा आपको, इस पर 120 वोट की लाइट होती है ये, और सारे मॉडल भाई इसमें डिज़ाइन सारे सब कुछ मिलता है, आप कहीं भी अपने आसपास शॉप वाले से भाई पूछ सकते हो। और ये सब 9200 लुमेंस की लाइट होती है, IP68 की रेटिंग है इसमें वाटरप्रूफ, और 120 वोट की लाइट होती है भाई ये, और 6500 केल्विन जो इसका कलर टेम्परेचर होता है 6500 होता है, वाइट ही होता है बेसिकली।
उससे ज़्यादा जाओगे तो फिर ब्लू होता चला जाएगा और नीचे जाओगे तो येलो होता चला जाएगा, लेकिन ये कलर टेम्परेचर भाई बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं आती, बढ़िया। और भाई सेम ऐसी ही एलईडी आपकी इसमें लो बीम जो प्रोजेक्टर होता है उसमें मिल जाएगी, और ऐसी ही आपकी फोग लैंप में मिलेगी। ये देखो ऐसी आपको सेम एलईडी, सेम बोसमैन की तीनों जो वर्जन है वो भाई बोसमैन के ही हैं, वो आपको इसमें मिल जाएंगे। और इसका मैं आपको बॉक्स भी दिखाता हूँ और कितने वोल्टेज की है भाई वो भी दिखाता हूँ। ये 130 वोल्ट की लाइट है जो इसमें डाल रखी है, हमने 130-30 वोल्ट की लाइट डाल रखी है, जिसकी वजह से भाई इनका थ्रो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। और भाई हेडलाइट के जो कनेक्शन है उसका आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ मैं कि भाई कैसे कनेक्शन करके। भाई ये हार्नेस आ रखी है आपकी, ये देखो ये जो हार्नेस है, ये हार्नेस हेडलाइट हमने एक्स्ट्रा डाली है ना उसकी, और ये जो हार्नेस है ये वाली, ये है आपकी भाई गाड़ी की। ये देखो ये इसमें कपलर लगा हुआ है, ये जो मेन जो नॉर्मल कपलर होता था H4 वाला अपना, वो कपलर लगा हुआ है। और इसमें सिर्फ इतने इजी वो है कनेक्शन, इतने इजी कनेक्शन है भाई, आप आराम से वीडियो दिखा के कोई भी मिस्त्री कर सकता है यार, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और इसमें भाई कई मेरे भाई उलझे रहते हैं कि भाई कनेक्शन कैसे होंगे, तो भाई उस वीडियो में भी मैंने दिखाया था, मैं इसमें भी आपको दिखा रहा हूँ। जो इसमें ग्रीन वाला वो आता है, ये देखिए जो ग्रीन वाली इसमें, ये जो ग्रीन है ना, ये देखो ग्रीन वाली, ये आपकी चली जाएगी भाई। इसके लो बीम होता है ना, ये है लो बीम वाली, ग्रीन वाली जो आपके कनेक्शन है वो है लो बीम का वाला। जो ये ग्रीन वाला जो कनेक्शन है इसमें रेड वायर लगा के हमने भाई लो बीम में कैसे सेट कर रखे वो मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले। और ये देखो, और ये जो वाइट वाला इसमें वायर है, ये देखो वाइट वाली वायर है, ये है भाई इसकी हाई बीम की वायर, जो कि हमने इसमें आपका जो मेन कपलर है उसमें जोड़ रखी है हाई बीम वाले पॉइंट में, ठीक है। और एक तार बच गया आपका भाई ब्लैक, ब्लैक आपका ग्राउंड होता है वो भाई सबको पता ही जैसे है। जैसे आपने लाइट ऑन कर दी लो बीम, सबसे पहले लो बीम ऑन होगी, और जब आप उसको हाई बीम पे कन्वर्ट करोगे ना लाइट को, तो आपकी लो बीम बंद हो जाएगी। इन लाइटों में अगर आफ्टर मार्केट आप लगाओगे तो हाई बीम बंद हो जाएगी, लो बीम बंद हो जाएगी लाइट, और हाई बीम ऑन हो जाएगी अगर आप ऐसे कनेक्ट करते हो तो। लेकिन मैंने क्या कर रखा है, जैसे गाड़ियों में आता है ना, टॉप मॉडल में गाड़ियों में आता है कि आप जब हाई बीम पे लाइट लेके जाओगे ना तो आपकी लो बीम भी चलती रहेगी और हाई बीम भी आपकी ऑन हो जाएगी। तो उसका सीधा सा एक सिंपल सा वो है, जो आपकी लो बीम की वायर है ना, जैसे ये वायर लो बीम की है, वो आप इसकी पार्किंग में कनेक्ट कर दो। जो आप एक सिंगल स्विच ऑन करते हो लाइट का, जिसमें वो छोटी वाली लाइट जलती थी, इसमें तो खैर नहीं है, इसमें तो DRL आ जाती है उसकी जगह पे, उसमें आप कनेक्ट कर दो, कोई वायरिंग का इशू नहीं होगा भाई। उसकी उसका जो प्लस का 12 वोल्ट का वायर होती है उसमें आप इसको कनेक्ट कर दो। आप जब एक पॉइंट ऑन करोगे तो आपके प्रोजेक्टर ऑन हो जाएंगे, और जब आप सेकंड पॉइंट ऑन करोगे और हाई बीम पे लाइट लेके जाओगे तो भाई आपके प्रोजेक्टर ऑन रहेंगे और आपकी हाई बीम भी ऑन हो जाएगी साथ के साथ में, जिससे आपको भाई थ्रो बहुत तगड़ा मिल जाएगा। जब भी आपको हाई बीम यूज़ करनी है तो आप हाई बीम यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन उठेगा, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन उठेगा कि भाई ये वाली वायर तो पतली होती है। भाई कोई पतली वायर नहीं होती, कंपनी की जो वायर की क्वालिटी होती है वो इतनी तगड़ी क्वालिटी होती है कि आप इस पतली वायर में कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो, 12 वोल्ट DC में कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो, इतनी बढ़िया क्वालिटी होती है कंपनी वाली जो चीज़ होती है उसमें। तो भाई ये ऐसे कुछ कनेक्शन थे, LED हमने इसमें डाल रखी है। तो भाई ये थ्रो है दिन में लाइट का, ये देखो ये कुछ थ्रो आपको भाई दिन में मिलेगा ऐसा देखने को, जब चारों आपकी LED, जैसे इसमें हाई बीम तो भाई ऑन नहीं कर रखी मैंने, हाई बीम भी अगर ऑन करते हैं तो भाई ये तीनों जो लाइट है वो भाई बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स देती है। तो भाई ये कुछ थ्रो है खाली जो अपनी लो बीम है उसका, जो लो बीम जो प्रोजेक्टर है उसमें डली हुई है जो LED उसका, ये देखो। और अभी ऑन करते हैं भाई इसके जो फोग लैंप डले हुए हैं वो, फोग लैंप पे, और भाई ये आ गए आपके हाई बीम। तो भाई ये ऐसा कुछ थ्रो मिल रहा है आपको, ये देखो। और एक बारी सामने से भी दिखा देता हूँ आपको, सामने से भाई कुछ दिखेगा ही नहीं अगर आप हाई बीम पे चल रहे हो तो। भाई यही तो होता ना, जो हाई बीम पे आप गाड़ी चलाते हो तो सामने वाले को नहीं दिखता, इसी वजह से नहीं दिखता। ये तो हम बस टेस्ट कर रहे हैं। कई वीडियो देखे होंगे आपने, भाई किसी ऐसे गली में ले जाएंगे
अंधेरी खूब अंधेरी गली में, और भाई वहां लाइटों को ऑन करके दिखाएंगे, वो भाई तेज लगती है। लेकिन भाई अंधेरी गली में एक 50 रुपए वाली टॉर्च लेके भी आप जला दोगे ना, उसकी भी रोशनी भाई बहुत तेज लगेगी। चेक भाई हाईवेज पे होते हैं जहाँ सामने से रोशनी आती है गाड़ियों की। अभी गाड़ी भाई लो बीम पे और सिर्फ फोग लैंप और लो बीम जो प्रोजेक्टर है वो लगे हुए हैं गाड़ी पे, और उनका थ्रू है। हाई बीम तो भाई मैं करता ही नहीं इस पे, ये देखो आपको दिखाने के लिए, ये देखो ये हाई बीम का थ्रू है भाई। तो भाई ऐसा कुछ नहीं कि अंधेरी जगह पे हो तो सामने से जो लाइट आएगी भाई वो भी आपको इजीली रोड पे ऐसा महसूस नहीं होगा कि अगले की लाइट इतनी तेज पड़ रही है आपके शीशे पे कि आपको कुछ नहीं दिख रहा, अच्छे से दिखता है। और जब आप हाई बीम यूज करना चाहते हो भाई, आप हाई बीम भी अपना आराम से यूज कर सकते हो जहाँ जरूरत है वहाँ पे। और ये कुछ वीडियो थी भाई, वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो भाई लाइक करके और चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। तो मिलते हैं भाई ऐसी किसी नई वीडियो में, टिल देन मजे करो।